क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं जो दिख या महसूस नहीं हो सकती, और ये एक ऐसी चीज है जो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों में बनी हो। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिनो की। तो क्या होता है ये और हम इसे ढूंढ ही क्यों रहे हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान और आज हम न्यूट्रिनो की बात करेंगे बस 2 मिनट में। ब्रह्मांड काफी करोड़ों साल पहले बना एक बिग बैंग नाम की प्रक्रिया से, दूसरे शब्दों में कहूं तो कुछ भी नहीं से कुछ। हमें अभी भी नहीं पता कि ब्रह्मांड की असल शुरुआत कैसे हुई, और न्यूट्रिनो इसी पहलू को पूरा करने में कारगर साबित भी हो सकता है क्योंकि ये ब्रह्मांड के शुरुआती समय से मौजूद है। तो क्या है ये न्यूट्रिनो असल में? मूल रूप से कहूं तो ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल ही है इलेक्ट्रॉन की तरह, पर इसमें कोई चार्ज या मास होता ही नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन में जहां नेगेटिव चार्ज होता है उधर ही न्यूट्रिनो में चार्ज भी नहीं होता और मास भी नहीं होता। लेकिन हम इसे ढूंढ ही क्यों रहे हैं? ऐसे करके हमें मिलेगा क्या? असल में इसके बहुत ही सारे एप्लीकेशंस हैं जो हम इस 2 मिनट की वीडियो में नहीं डाल सकते, पर मूल रूप से हमें न्यूट्रिनो इसलिए ही चाहिए क्योंकि हम ब्रह्मांड का अस्तित्व अच्छे से जानना चाहते हैं और न्यूट्रिनो इसमें बहुत मदद करेगा। ये हमें डार्क मैटर के बारे में बता देगा जो अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है। उसके अलावा ये किसी परमाणु परीक्षण या उसी से जुड़ी गतिविधियों को भी ध्यान में रखेगा क्योंकि परमाणु बम से ही ज्यादातर न्यूट्रिनो निकलते हैं। ये जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा पर न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा है, पर फिर भी इतने सालों के प्रयास के बाद भी हम 1 या 2 ही न्यूट्रिनो पकड़ पाए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन या रिएक्टर्स में से ही बनती हैं, तो हमारे सूरज भी एक न्यूट्रिनो जनरेटर की तरह ही काम करता है और एक दिन में शायद आप करोड़ों न्यूट्रिनो से गुजर रहे होंगे पर आपको ये बात पता नहीं होगी। पर इसके बावजूद हम इन कणों को पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं और शायद अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं निकला जो इन्हें पकड़ सके, पर उम्मीद करता हूँ हम जल्द ही न्यूट्रिनो और उससे जुड़ी हर रहस्य को जान पाएंगे। तो अपने अगले मजेदार वीडियो आने तक अपने ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड ना होने दें।